जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की हत्या के बाद निखिल धदीश नाम के एक शख्स ने सही ठहराते हुए आपत्तिजनक ट्वीट किया था। धदीश को नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। इसके बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई कि प्रधानमंत्री क्यों ऐसी अभद्र भाषा में ट्वीट करने वाले लोगों को फॉलो करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स @NarendraModi द्वारा फॉलो किए जाने वाले सभी 1779 अब संख्या 1800 के पार हो गई है। लोगों के प्रोफाइल के सारे ट्वीट खंगाले गए। पड़ताल में पता चला कि प्रधानमंत्री जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनमें से 36 ने 5 या उससे ज्यादा बार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इनमें से उन लोगों को अलग से छांटा गया जो नियमित तौर पर अभद्र और गालियों वाले ट्वीट धड़ल्ले से करते रहते हैं। दिल्ली के आईटी स्पेशलिस्ट अजेंद्र उमरील त्रिपाठी के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर की मदद से 20 अभद्र शब्दों के फिल्टर लगाकर ऐसे लोगों की पहचान की गई। साथ ही उन्होंने किस समय कौन सा अभद्र ट्वीट किया इसका पूरा ब्यौरा भी हासिल किया गया। इन सभी के ट्विटर अकाउंट ट्विटर की तरफ से अनवेरिफाइड हैं। एक अखबार के पास इनके सभी विवादित ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी हैं। इन लोगों के अकाउंट की पड़ताल में सामने आया कि इनमें ज्यादातर अपने परिचय में राष्ट्रवादी या हिंदू समर्थ होने का दावा करते हैं। इनमें से कई डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि पीएम उन्हें फॉलो करते हैं। इनमें से कई ने मोदी की फोटो अपने कवर पर लगा रखी है। इन लोगों की कारगुजारियों पर नजर डालें तो एक व्यक्ति मिलेंगे ईशान। इन्होंने प्रोफाइल पिक्चर में नाचते हुए माइकल जैक्सन जैसा कैरिकेचर डाला है। इनके 5000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। एक अन्य शख्स हैं आशीष मिश्रा जो पुणे से हैं। ट्विटर पर इनके 17,812 फॉलोअर हैं। ये अपने आप को आईटी बॉम्बे से एजुकेटेड रणनीतिकार बताते हैं। ऐसे एक अन्य व्यक्ति अभिषेक राज पांडे, इन्होंने अपनी कवर फोटो में वो स्क्रीनशॉट लगा रखा है जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको फॉलो करते हैं। इनके फॉलोअर्स की फहरिस्त में रेल मंत्री पीयूष ग्योल का भी नाम शामिल है। इनके राष्ट्रवाद का नजला सबसे ज्यादा गीतकार जावेद अख्तर पर उतरता दिखता है। SPNI News के लिए काशिफ की रिपोर्ट।